फर्स्ट लीड करने में वक्त लगा, इसलिए कहानी बहुत ऐसा लगा कि ये करेक्ट कहानी है इस फिल्म के लिए, तब हम उसको लेके आ रहे हैं। हमको कोई जल्दी नहीं थी कि बनाने के लिए बनानी है, और ये प्रेशर नहीं था कि वो हिट हुई है तो इसको भी ऐसा बनाए कि चले। ईमानदारी से जिस प्यार से वो बनाई थी, उसी प्यार से मस्ती से ये वाली बनाई है। पवन भाई अभी आपके आने से पहले राजकुमार की आपकी तारीफ कर रहे थे और कह रहे थे कि मतलब मजा आ गया उनके साथ लखनऊ विश्वविद्यालय। आपका अनुभव कैसा रहा इन दोनों के साथ लखनऊ विश्वविद्यालय और यहाँ का? मैं आज श्रद्धा जी से, राजकुमार भाई से पहली बार मिला, बट ये मुझे फील नहीं हुआ कि मैं पहली बार मिला। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हम लोग एक दूसरे को 2-4 साल से जानते हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगा। हमें भी बहुत अच्छा लगा, डिटो सेम वाली फीलिंग। हाय राजकुमार, हाय श्रद्धा, लखनऊ। माय क्वेश्चन टू, बट यू आंसर सेपरेट राइट? What is it that you are afraid of, or amongst you two, you and Pandleka, who is more scared of ghosts, you or she, or like both of you are like okay with ghosts and happy? No, nobody's okay with ghosts. Nobody wants their presence to be in their surrounding. So of course, all of us are okay for sure. But I would say, because I've done so many horror films, and also as partners, we love watching this genre. So I think wo thoda bahut that fear is always there. But I would say when I was a kid, I used to be really scared of ghosts. But when I've grown up, I think I'm more scared of people than ghosts. I think they can be more dangerous than ghosts. I think ghosts are, they, I believe in energies. I think they are there, but they are in their own dimension. They don't really trouble us. Shraddha, what about you? Do you believe in ghosts? You know, जब मैं छोटी थी, of course, मुझे लगता था कि भूत प्रेत से डरना चाहिए, लेकिन अब जब बड़ी हो गई हूँ तो एक अलग सा ही अलग से सवाल आते हैं कि हमें लगता है कि हमारी जिंदगी यही है दुनिया में, हम लोगों से मिलते हैं, लेकिन बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते हैं भूतों के बारे में, स्पिरिचुअलिटी के बारे में। तो मैं मतलब ये पॉइंट असाइड एक बात आपसे कहूंगी कि जब मैं स्त्री ऐसे देख रही थी और मतलब मेरा खुद का चेहरा मैं ऐसे देख रही थी, क्योंकि वो बदल जाता है। तो डेफिनेटली फिल्मों में मुझे बहुत डर लगता है, और असल जिंदगी में तो ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ है, और पता नहीं कि कैसा रिएक्शन होगा, लेकिन ये मानती हूँ कि बहुत कुछ हमारे समझ के बाहर है। और हमारी फिल्म जो है वो कॉमेडी से भरपूर है, जैसे कि पहले वाली थी वैसा ही है, तो इसमें हॉरर आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको हंसने के लिए आना है। डरो और हंसो भी दोनों। पवन जी से मेरा ये क्वेश्चन है कि पहला मेनस्ट्रीम बॉलीवुड सॉन्ग है ये आपका जो इस मूवी में आपने गाया है, क्या है आपका एक्सपीरियंस, ओवरऑल कैसा रहा? मैंने गाना तो बहुत सारा किया है, हिंदी में बहुत सारा गाना किया, और इस फिल्म में जो हुआ वो अचानक से हुआ, कोई प्लानिंग नहीं थी। अचानक से मेरा भाई आया, बोला भैया ऐसा ऐसा है। मैंने बोला यार गाना कल ही रिलीज है, तो आज कैसे पॉसिबल है? तो एक भाई हमारे मुंबई से आए लखनऊ, हमारे घर में स्टूडियो है मेरा खुद का। एक तो इतना हाई स्केल का गाना है, मुझे लगा मैं गा ही नहीं पाऊंगा, बट फिर क्या होता है, माता रानी का आशीर्वाद है, वो आधे घंटे में ही गाना मैंने गा दिया। और ये गाना मुझे अच्छा लगा, और मैं चाहूंगा, मैं अपने भोजपुरी दुनिया से गुजारिश कर रहा हूँ, हिंदुस्तान से गुजारिश कर रहा हूँ कि इस फिल्म को बहुत बड़ा हिट फिल्म बनाए। और कोई भी आर्टिस्ट, प्लेबैक सिंगिंग मैंने पहली बार किया है आपके फिल्म में, आपके फिल्म में हमारे लिए ऑनर की बात है सर। अरे भैया झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, झूठी खाई थी कसम जो निभाई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं, कटी रात मैंने खेतों में तू आई नहीं। अच्छा लगा, क्या बात है। थैंक यू, थैंक यू।
Rajkumar Sharma, I wanted to ask, ki, post the OTT boom, you are also doing a lot of projects on the OTT. Is it becoming difficult to get the audiences to the theatre? No sir, I'm not doing a lot of projects of course for OTT. No, in my case, I'm very happy because this year only I had Shrikant, which was a major success at the box office, and a lot of people have been saying that, you know, they feel that it's a national award winning performance and I should get the national award, which I'm truly humbled about. I mean, Mr. and Mrs. Mahi did pretty well. So, aisa nahi hai. Muncha is a big example. You know, to aisa nahi hai ki log theater mein nahi aana chahte. Log achhi kahaniyan hogi, अच्छे किरदार होंगे तो जरूर थिएटर में आना चाहते हैं. कल के डेट सो वेल एंड सो मेनी अदर फिल्म्स. तो आई थिंक कहानी अच्छी है, किरदार अच्छे हैं, तो लोग थिएटर में जरूर आएंगे. कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन प्लीज? यार मेरे पास तो थिएटर वाला ही ऑप्शन है क्योंकि मैंने अभी तक ओटीटी किया नहीं है. क्योंकि यू नो मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं काम करूँ, क्योंकि जब आप एक पिक्चर बनाते हैं या जो भी अगर एक सीरीज भी बनाते हैं तो आपको ऐसा फील होना चाहिए कि आप अपना दिन रात महीने आप गुजार दो मेहनत करके उस फिल्म को बनाओ. तो जब तक वो फीलिंग नहीं आती ना मुझे, मैं कुछ मतलब साइन नहीं करती. तो स्त्री टू के साथ वो फीलिंग आई है, मेरे दिल के बहुत ज्यादा करीब है स्त्री टू. और जब कोई पिक्चर पसंद आएगी ओटीटी पे कर लूंगी. हाय राजकुमार, आई विल टेक लास्ट टू क्वेश्चंस. या श्योर श्योर. हाय राजकुमार, हाय श्रद्धा, हियर हियर. सबसे पहले दिस इज आरजे जलज फ्रॉम रेड एफएम. सबसे पहले तो बहुत बहुत वेलकम है लखनऊ में आपका. थैंक यू. वी हैव सीन द ट्रेलर, इट्स वेरी एंटरटेनिंग. और अब आप दोनों लोग आए तो हम भी थोड़ा सा एंटरटेन कर देते हैं क्योंकि हम रेडियो के लोग हैं. तो मेरा जो सवाल है वो मैं नहीं पूछूंगा, मेरे साथ एक भोली आंटी होती है वो ही पूछती है. तो सासरे अकाल विक्की कैसा है? मैं अच्छा हूँ आंटी, तुझे कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया. मैं ये कह रही हूँ कि चल देख, स्त्री टू में सरकटे का जो कॉन्सेप्ट है वो तो है, लेकिन स्त्री टू में श्रद्धा हाथ लगती कि नहीं ये बता दे मेरे को. अभी की इन्होंने कहा था जाने से पहले स्त्री वन में कि तो दिल से याद करना, मैं आ जाऊंगी जी. 6 साल लगा दिए मैंने, बहुत दिल से याद किया इन्हें, लग रहा है सब जगह से याद कर लिए, नहीं आई. अरे 6 साल के बाद आई है. हाँ? तो अब मैं कोशिश तो करूंगा कि विक्की का प्यार लौट आए तो रहे जिंदगी में, पर वो क्या रहेगा जिंदगी में या नहीं रहेगा ये तो आंटी आपको फिल्म देखनी पड़ेगी. चलो देख लेंगे मिली बीवी बच्चों समेत. अच्छा श्रद्धा, एक चीज आपसे भी मेरे को पूछनी है. चोटी में दम है ये तो पता चल गया. मैंने चोटी में तो बहुत ज्यादा दम है आंटी, है ना? ये जो करंट मारती है ना चोटी, मतलब भाग जाओ, बिल्कुल शहर छोड़ के भाग जाओ. बिल्कुल. तो मैंने रीठा शीका का ये आंवला सब लगा लिया, आप क्या लगाते हो कि लंबी हो जाती है तो छोटी हो जाती है? देखिए कुछ ऐसी बातें हैं जी, चोटी का पावर तो मेरे पास है, अब उसका सीक्रेट मैं थोड़ी ना बताऊंगी आपको. क्या बात है, क्या बात. आई वुड लाइक एक बार जोरदार तालियां हो जाए श्रद्धा एंड राजकुमार के लिए. थैंक यू सो मच. और श्रद्धा एक रिक्वेस्ट आपसे, विक्की प्लीज, डायलॉग हमने आपसे तो बुलवा लिया, सो सिंस माय नेम इज जलज, आई एम अ बिग फैन, क्या आप जलज प्लीज बोल सकते हैं एक बार? जलज 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 जलज.